चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास पे जो सीबीएसई का न्यू सिलेबस आया है 2021-22 क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है कि आप लोग का जो एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से मैंने पूरा लाइक चैप्टर 1 से लेकर के एंड तक पूरा देख रखा है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं करने हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज नहीं करने हैं आपको, ठीक है, कौन कौन से थ्योरम्स नहीं करने हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक आप लोग निकाल लो और जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ आप लोग उसको टिक आउट करते चलो, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है और उनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो वो सिंपली मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसके अपने पास रख लो और जब भी पढ़ाई करो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, तो कौन सा नहीं करना है पहले उसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीबीएसई में वो पूछा नहीं जाएगा। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, मैं सीबीएसई एग्जाम का बता रहा हूँ, जो उन्होंने नहीं बोला है वो एग्जाम में नहीं आएंगे, सो आपको नहीं करना है उसको, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं पीडीएफ फाइल का जिक्र कर रहा था वो मैं शो करता हूँ आपके स्क्रीन पर, ये रहा पीडीएफ फाइल, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर को अच्छे से एनालाइज करा है फिर जाकर के ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर 1 जो आपका है रियल नंबर है, ये टर्म 1 में आने वाला है और आपको पता है टर्म 1 जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसमें जो थ्योरम्स वाले हैं ना, प्रूवडेड वाले हैं, वो कुछ भी नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या देगा वो फिर, ठीक है। तो एक सेकेंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर लिया सेलेक्ट। चलिए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर वन आप लोग का रियल नंबर है, ठीक है। इसमें जो थ्योरम 1.1 है वो आपको नहीं करना है, एक्लूड्स वाला जो डिवीजन लेमा मेथड है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर ये नहीं करना है तो आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो फुल्ली डिलीटेड हो गया, करना ही नहीं है 1.1, पहला एक्सरसाइज करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी 1.1 के बाद जब आप मतलब देखोगे तो आपको एक टॉपिक वहां पे दिखेगा रीविजिटिंग इरेशनल नंबर, वो भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। 1.3 भी फुल्ली डिलीटेड हो चुका है, मतलब चैप्टर नंबर 1 में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो पॉलिनोमियल है। अच्छा हाँ, अब बच्चों लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये कितने नंबर का आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, तो टर्म 1 का जब लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा वहां पे आप लोगों को बता दूंगा कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड पे, जैसे टर्म 1 जब एंड करूंगा तो मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। अभी बस पहले टॉपिक देख लो। अब देखिए चैप्टर नंबर टू में आपको जो डिविजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल्स है वो हटा दिया गया है, डिलीटेड है। एक्सरसाइज 2.3 फुल्ली डिलीटेड है, नहीं करना है। ऑप्शनल में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 3 में आ जाइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें एक ही चीज आपको नहीं करना है, दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। देखो अब उसमें अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उसमें डिलीट कर दिया गया है, आप लोग जो सब्स्टिट्यूशन मैथड भी होता है ना, तो उस क्वेश्चन को आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग कर लो, ठीक है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत। बाकी दो मेथड है वो दोनों मेथड से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मत करना, ठीक है, वो आपके एग्जाम में डिलीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर नंबर 7 चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें क्या नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फुल्ली डिलीटेड हो चुका है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाओ 7.3, ये भी डिलीट हो चुका है, नहीं करना है आपको। अब ऑप्शनल में आते हैं, ऑप्शनल में देखो मैंने क्या लिखा है, डू ऑल द क्वेश्चन एक्सेप्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको छोड़ देना है ऑप्शनल में, बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 आप तुम बोलोगे सर 7 पहले बता दिया आपने, 6 क्यों बाद में बता रहे हो। एक्चुअली जो आपके सीबीएसई ने दिया है ना तो उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है।
चैप्टर नंबर 7 आ गया था वहां पे पहले, तो वो बता दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स वगैरह आ रहा है तो वो बाद में बता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल वाले चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है, आपको फुल करना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है तो फिर हम लोग प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन क्यों करेंगे। देखो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन कैसे, हाउ टू प्रूव, वो नहीं करना आपको, बस आपको रिजल्ट जो है वो लर्न करके रखने। देखो मैंने यहाँ पे पीडीएफ फाइल में लिख दिया, सारे जितने भी जितने प्रूफ दैट है सारे के रिजल्ट आपको याद करने हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बस टेंशन लेने वाली बात नहीं, एकदम प्रूफ दैट नहीं करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं तो आप प्रूफ दैट करके क्या बताओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या हट गया है, 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस हट गए। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर फिर जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें जीरो, तो मैंने एनालाइज किया है उसमें पहले से ही एनसीईआरटी वालों ने 0 डिग्री 90 डिग्री का एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो टेंशन लेने वाली पैनिक होने वाली कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं करने आपको, एक्सरसाइज 8.3 कट गया है, एक्सरसाइज 8.4 कट गया है। अब 8.4 का देखो, 8.4 पूरा नहीं कटा, उसका क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, 8.3 पूरा कंप्लीट कटा है, जिसपे मैंने सिर्फ एक्सरसाइज लिखा वो समझ जाना कंप्लीट कटा हुआ, जो एक्सरसाइज के बगल में मैंने क्वेश्चन लिखा तो समझ लेना वो क्वेश्चन कटा हुआ है, 8.4 नहीं कटा हुआ है। क्लियर है, चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 है, फिर 15 है, जो कि 12 फिर 15 लास्ट चैप्टर होगा टर्म वन का। फिर हम आपको आपको प्रॉमिस करा था मैंने कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए चैप्टर नंबर 12 आ जाओ, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल है, एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं करना है, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है। देख लो एकदम बारीकी से मैंने सारी चीजें देख रखी, ठीक है, कौन सा आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स नहीं करने हैं। अच्छा, इस पे जो भी 120 डिग्री वाले हैं ना वो आपको एकदम छोड़ ही देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर चैप्टर नंबर 15 पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, एकदम इजी चैप्टर है, क्या डिलीट करेगा, इतना सारा चीज तो सीबीएसई ने डिलीट कर रखा है। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी आपको पूरा करना है अच्छे तरीके से। अब देखो चैप्टर नंबर 1 जो मैंने बताया था वो आपका 6 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों मिलाकर के 10 मार्क्स का आने वाला है, चैप्टर नंबर 7 जो मैंने अभी बताया वो 6 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 6 भी आपका 6 मार्क्स का जो कि ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का आने वाला है, मेंसुरेशन 4 मार्क्स का आने वाला है, प्रोबेबिलिटी आपका 3 मार्क्स आने वाला है। तो ये सारी चीजें आप अपने पास रखना और उसी हिसाब से तैयारी करना है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है, उसी हिसाब से आपको फोकस करना है। ठीक है, तो टर्म 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, चलो चलते हैं टर्म 2 में, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड ये नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात लाइक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आप लोग मेहनत करना, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, केस स्टडी जो होते हैं ना उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो अच्छे से तैयारी करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए टर्म टू सिलेबस एज पर द एनसीईआरटी क्या नहीं है, तो चैप्टर नंबर फोर पर चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये टर्म 2 में आने वाला है, इस पर क्या आपको नहीं करना है, एक्सरसाइज 4.1 से आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख लेना 4 या 5 जो भी होगा वो लास्ट क्वेश्चन है, लिख दिया मैंने इसलिए क्योंकि जब मैं देख रहा था ना नेट से वो बुक में देख रहा था तो 4 और 5 वो क्लियर दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने बगल में लिख दिया 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो डिलीट है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कट गया है। ठीक है, पेज नंबर चले जाना, अब जब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले के बाद आप पेज नंबर चले जाना, 78 कटा है, 79 वाले क्वेश्चन नहीं करने, 80, 81, 82 वाले क्वेश्चन नहीं करने, फिर उसी का 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 4, 9, 10 आपको नहीं करना। ठीक है, इतना एनालाइज अच्छे से बता दिया आपको कि कौन से क्वेश्चन नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में आ जाइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 16 नहीं करना है, एक्सरसाइज 5.3 का 15 to 20 क्वेश्चन नहीं करना है, ऑप्शनल में जाओ तो 3, 4, 5 आपको नहीं करना। ठीक है, सर्कल वाले चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, इसके बाद सर्कल चैप्टर है, कुछ भी उन्होंने डिलीट नहीं करा है। ठीक है, कुछ भी डिलीशन नहीं है तो इसके बारे में डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 11,
चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन है, इस पे क्या नहीं करना है, एग्जांपल 1 2 आपको नहीं करना है, 11.1 का ओनली क्वेश्चन नंबर 1 हैव टू डू, मतलब आपको एक ही क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 1, 11.1 का 2 से 7 एकदम कंप्लीटली डिलीटेड है, एक ही क्वेश्चन करना, बताओ कितना इजी कर दिया हमने, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 9 पे आ जाओ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, एक ही एक्सरसाइज का चैप्टर है तो क्या डिलीट करेगा ये, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस से भी हम लोग जानते हैं इस चैप्टर को, काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर नंबर 13 पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 13 क्या है आपका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रस्टम ऑफ कोन वाला क्वेश्चन नहीं करना है, पिछले साल भी नहीं था, एग्जाम्पल 12, 13, 14 नहीं करना है, एक्सरसाइज 13.4 नहीं करना है, ऑप्शनल आप में 5, 6, 7 नहीं करना है, ठीक है। अब देखो जहां पे मैंने ऑप्शनल का जिक्र नहीं किया उसको करना है पूरा, ठीक है, जहां पे ऑप्शनल का जिक्र करा है तो मैंने क्वेश्चन नंबर भी मार्क आउट कर दिया कौन सा नहीं करना है, बाकी सारे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने जो नहीं लिखा वो मतलब पूरे करना है, ठीक है, जो मैंने लिख दिया वही आपको छोड़ना है, बाकी सारा करना है आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 आ जाओ, स्टैट्स में क्या नहीं करना है, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना है, बाकी डायरेक्ट मेथड वगैरह सारा कुछ करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, बताओ और कितने इजी करेगा, स्टैट्स भी काफी इजी कर दिया। तो अब इसी का जो ग्राफिकल मेथड वाला था तो 14.4 कट गया, एग्जांपल नंबर 9 भी कट गया, ठीक है। ये टर्म 2 का लास्ट चैप्टर था स्टैट्स वाला, काफी इजी बना दिया यार, अब जो टफ टफ पार्ट था वो हटा ही दिया गवर्नमेंट ने, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग, अब कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, चैप्टर 4 और 5 10 मार्क्स का आएगा जो अलजेब्रा के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 10 और 11 9 मार्क्स का आएगा जो ज्योमेट्री के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 9 7 मार्क्स का आएगा जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है एप्लीकेशन वाला, है ना। फिर चैप्टर नंबर 13 मेंसुरेशन 6 मार्क्स का आएगा, और लास्ट में जो स्टैट्स है वो 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना और इसी हिसाब से तैयारी करना आप लोग, ठीक है, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करोगे। और दूसरी बात, हल्के में नहीं लेना है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को टर्म 1 में, इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अगर पिक कोरोना का पिक अगर उस पर आ गया अप्रैल मई में तो फिर इसको ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा, तो थोड़ा सा आपको ओवरऑल तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है, एकदम स्किप नहीं करना है पिछले साल जैसा सर गवर्नमेंट फिर सबको पास कर दी गया, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने ये स्ट्रेटेजी बनाया है कि 2 टर्म में इसीलिए उन्होंने डिवाइड करा है, ठीक है। तो आप लोग को एकदम पढ़ना है, ध्यान से सारी चीज़ें करनी है, और कोई दिक्कत कोई डाउट्स है मैं हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी पॉसिबल होगा मैं लाइव आकर के सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दूंगा, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।